नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज, आपकी आवाज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। आखिरी मौका, अगर अभी नहीं बने हैं मतदाता तो ऐसे करें आवेदन। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वोट डालने का मौका। अगले महीने यानी नवंबर में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है। राज्य की सभी 288 विधानसभा सीटों पर मतदान 20 नवंबर को होंगे। 23 नवंबर को परिणाम की घोषणा होगी। महाराष्ट्र में 9.63 करोड़ कुल मतदाता हैं। अगर आप अपने आप को बतौर मतदाता पंजीकृत कराना चाहते हैं तो आपके पास मौका है। 19 अक्टूबर की रात 12 बजे से पहले मतदाता के तौर पर आप अपना नाम खुद दर्ज करा सकते हैं। ऐसे करें ऑफलाइन आवेदन। खास बात यह है कि आप अपना पंजीकरण ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से करा सकते हैं। ऑफलाइन पंजीकरण के लिए आपको BLO यानी बूथ लेवल अधिकारी से संपर्क करना होगा। यहां आपको फॉर्म 6 दिया जाएगा। इस फॉर्म को सही तरीके से भरकर और आवश्यक दस्तावेज के साथ BLO के पास जमा कराना होगा। इसके साथ आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं और 12वीं के अंक पत्र में से कोई दस्तावेज संलग्न करना होगा। ऐसे डाउनलोड करें फॉर्म। अगर आप फॉर्म ऑनलाइन डाउनलोड करना चाहते हैं तो मतदाता सेवा पोर्टल पर जाएं, जहां पर सामान्य मतदाताओं के लिए नया पंजीकरण विकल्प पर डाउनलोड का विकल्प दिया है। इस पर क्लिक करके फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप घर बैठे ऑनलाइन बतौर मतदाता पंजीकरण कराना चाहते हैं तो सबसे पहले मतदाता सेवा पोर्टल पर जाएं, जहां सबसे ऊपर दाईं तरफ साइन अप बटन पर क्लिक करें। सबसे पहले यहां मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कैप्चर भरकर कंटिन्यू बटन दबाएं। यहां करें आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत। चुनाव से जुड़ी कोई भी जानकारी के लिए आप टोल फ्री नंबर 1905 पर कॉल कर सकते हैं। मतदाता सी विजिल ऐप पर आचार संहिता उल्लंघन के मामलों की शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए देखते रहिए नेशन न्यूज, आपकी आवाज़।